नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI Foundation Classes में। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कि ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने के बाद में ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस हम चर्चा करेंगे उन प्राइवेट कंपनीज के बारे में जहाँ पे हम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। गाइस मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जॉब्स फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद में कौन कौन सी जॉब्स जो है उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब्स की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ड्रीम होता है, जिनका टारगेट होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का। वो एक अलग बात है कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियसली पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। बाकी फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि ITI करने के बाद में कहीं ना कहीं उनको जो है गवर्नमेंट जॉब मिले। तो देखिए गाइस, यदि आप लोगों के पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेलवे के अंदर देखिए ग्रुप डी, लोको पायलट और टेक्नीशियन। रेलवे में ग्रुप डी, टेक्नीशियन और लोको पायलट तीन ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वैकेंसीज आती रहती है। इसके बाद में गाइस हम बात करते हैं मेट्रोस में, ठीक है। मेट्रो जो मेट्रो है उसके अंदर देखिए, एक तो अपने यहाँ पे काफी फेमस है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। डीएमआरसी में ऑलमोस्ट वैकेंसीज, काफी ज्यादा वैकेंसीज आती है। इसके अलावा जयपुर मेट्रो है, इसके अलावा लखनऊ मेट्रो है, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मेट्रो है, ठीक है। तो जो भी मेट्रो सिटीज है वहाँ पे जो है मेट्रो जो है उसके अंदर भी ITI स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आती रहती है। इसके बाद में देखिएगा इस इलेक्ट्रीशियन जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजली से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए उनके लिए वैकेंसीज आती है सभी स्टेट्स के बिजली बोर्ड में। सभी जितने भी जो जिले हैं, जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो है बिजली बोर्ड के अंदर वैकेंसीज निकाली जाती है और वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों से ही जो है वो आवेदन मांगते हैं। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा भी गुजरात, पंजाब, ठीक है, सभी जगह जो है बिजली बोर्ड में ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज आती रहती है। इसके बाद में गाइस DRDO है, इसमें वैकेंसीज आती है, इसरो में वैकेंसीज आती है, IOCL में वैकेंसीज आती है, MES में वैकेंसीज आती है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IOF में वैकेंसीज आती है, इसके अलावा जलदाय विभाग जो है इसमें वैकेंसीज आती है, रोडवेज में वैकेंसीज आती है, नेवी आर्मी एयरफोर्स अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी काफी वैकेंसीज आती रहती है। इसके अलावा DFF CIL, ये भी एक रेलवे का ही कॉरिडोर है, यहाँ पे वैकेंसीज आती है, NTPC में वैकेंसीज आती है। तो काफी वैकेंसीज जो है, इसके अलावा और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जैसे डेयरी हुआ, ठीक है, डेयरी डिपार्टमेंट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में गाइस हम बात करते हैं, देखिए ये बहुत सारी वैकेंसीज हो गई गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो प्राइवेट जॉब्स में तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हजारों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी है, होंडा है, इसके अलावा कई जैसे सोलर से रिलेटेड कंपनीज है, कोई वाइंडिंग वाली कंपनीज है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ITI स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हायर करती है, डायरेक्टली उनको जॉब देती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज है। इसके अलावा गाइस जो है आप लोग सेल्फ का बिजनेस भी कर सकते हो, सेल्फ बिजनेस, ठीक है, सेल्फ बिजनेस जो है खुद का व्यवसाय। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको पता है आप एक इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो और आप अपने मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे भी जो है टेक्नीशियन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप लोग जो है विदेश में जाकर भी जॉब कर सकते हो, काफी फॉरेन जो कंट्रीज है, सऊदी अरब है, ठीक है, दुबई है, कतर है, वहां पे टेक्नीशियंस की काफी जो है जॉब्स वगैरह अवेलेबल रहती है, तो वहां पे जाकर भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने गवर्नमेंट जॉब्स बताया, सेकंड प्राइवेट जॉब्स, थर्ड मैंने आप लोगों को बताया खुद का बिजनेस कर सकते हो, फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया
विदेश में जाकर भी आप लोग जॉब कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए बल्क में अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो सभी अपनी इस ताकत को पहचाने, इस काबिलियत को, इस हुनर को जो है अच्छे से यूज में लेने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का करियर अच्छा हो और आप लोगों का जो जीवन है वो अच्छे से चल सके। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।